दोस्तों, जब यह DTH का लेंस भी इस प्रकार से ख़राब हो जाता है, इसका जो बाहरी कवर है अगर टूट जाता है, तो हम क्या करते हैं कि इसे इस प्रकार से फेंक देते हैं। अगर दोस्तों आप इस टूटे हुए लेंस को फेंकना नहीं चाहते हैं, तो आज आपको मैं एक जुगाड़ बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने LED बल्ब के अंदर ही LNB को तोड़कर इसके अंदर मैंने फिट कर दिया है। अब दोस्तों, मैं आपको इस LED बल्ब वाले DTH LNB से आपको DD फ्रीज का जो सिग्नल है सेट करके दिखाता हूँ कि हमें सिग्नल रिसीव होता है या फिर नहीं। आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये सॉलिड का डिजिटल सिग्नल मीटर है, सेटेलाइट मीटर है। तो अब दोस्तों, मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले इसका जो केबल है तो हम दोस्तों यहाँ लगा लेते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारा जो वायर का पावर है तो यहाँ 74% आ रहा है। अभी सिग्नल क्वालिटी हमारा 0% है। अब दोस्तों, हम डिस्क को घुमाएंगे और सिग्नल को सेट करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं 11470 वर्टिकल 29500, यह DD फ्रीज का एक TP है जिस पर कि आपको मैं सिग्नल को सेट करके दिखाने वाला हूँ। तो अब दोस्तों, हम इस डिस्क को घुमाएंगे तो दोस्तों, आप देख सकते हैं 76% जो सिग्नल क्वालिटी है हमारा इस LNB से हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों, हमारा जो LNB है, अगर उसका बाहरी कवर वगैरह ख़राब हो जाता है, टूट जाता है, अगर दोस्तों आप उसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप इस प्रकार से LED बल्ब के अंदर फिट करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं जो सिग्नल क्वालिटी हमारा 77% इस LNB से हमें मिल रहा है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आया हो, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। नमस्कार।